दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसे हम कभी यूएसओ कहते हैं, यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट, और कभी यूयूओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड अंडरवाटर ऑब्जेक्ट। इन्हें देखे जाने की घटनाएं अक्सर समुद्र, महासागर या नदियों के आसपास देखने को मिलती हैं, और यह देखते ही देखते पानी में समा जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एलियन और यूएफओ की छानबीन में निकाल दी, साथ ही कुछ ऐसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन संस्थाएं ने भी यह दावा किया है कि इस दुनिया में पानी के अंदर कई जगह आज भी एलियन का बेस मौजूद है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ दावों के बारे में, जिन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर सका। कैलिफोर्निया दशकों से एलियन से संबंधित घटनाओं जैसे यूएफओ देखे जाने की घटनाओं का गढ़ रहा है, और जब ऐसे में यह पुख्ता दावा किया गया है कि कैलिफोर्निया में मालिबू तट से 10 किलोमीटर आगे समुद्र में 600 मीटर यानी करीबन लगभग 2000 फुट नीचे एलियन का बेस मिला है, तो किसी को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। यह ढांचा अंडाकार है और ऊपर से चपटा है। यह ढांचा कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इस अंडाकार ढांचे में सैकड़ों खंभे हैं जो इसे समुद्र में नीचे स्थिर बनाकर रखते हैं। यह ढांचा करीबन 5 किलोमीटर चौड़ा है। इन खंभों की दूरी भी बराबर बराबर रखी गई है, जिससे यह साफ साबित होता है कि यह अप्राकृतिक तौर पर बना हुआ है। यह एलियन बेस जनता की नजरों में तब सामने आया जब एक रेडियो शो जिसका नाम था फेड टू ब्लैक, उनके एंकर जिमी चर्च के एक श्रोता जिसका नाम मैक्सवेल था, उसने जिमी को गूगल अर्थ से इस जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए और कहा कि यह कुछ अप्राकृतिक ढांचा सा दिखता है। जिमी चर्च ने अपनी पूरी टीम के साथ इसकी जांच करी तो उन्हें भी पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह एलियन द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ बनाने के दावे से साफ इनकार कर दिया था। एक पूर्व एफबीआई एक्सपर्ट जो फोटो और वीडियो की जांच में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सबको चेतावनी दी कि यह सब झूठ है और किसी ने गूगल अर्थ की तस्वीरों से छेड़छाड़ करी है, जो कि हम सबको पता है यह करना असंभव है। और हमेशा की तरह इस घटना पर भी सरकार ने पर्दा डाल दिया है। अब इस जगह को गूगल अर्थ पर नहीं देखा जा सकता। कई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की टीम जब इस जगह पर खुद जांच करने और पड़ताल करने गई, तो उनको कुछ रहस्यमयी लोगों ने जाने से बीच समुद्र में ही रोक दिया। जब उन रहस्यमयी अधिकारियों के बारे में छानबीन की गई, तो ना ही वो आदमी सरकार के निकले और ना ही उनके बारे में कुछ खबर मिली। अब यह रहस्यमय ढांचा पूरी तरह से दुनिया के लिए अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वहां के स्थानीय निवासी आज भी इस इलाके में समुद्र के ऊपर कुछ रहस्यमय उड़नतश्तरी देखने का दावा करते रहते हैं, पर कोई चाहकर भी उसकी जांच पड़ताल करने में असमर्थ है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। छुपे हुए खजानों की खोज प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है, क्योंकि इसमें रहस्य रोमांच के साथ साथ एकाएक अमीर बनने का भी चांस होता है।
अब तक ऐसे छुपे हुए सैकड़ों खजानों की खोजें हो चुकी हैं, पर कुछ खजाने ऐसे भी हैं जिन्हें खोजने के चक्कर में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग खजाने तक पहुंचे भी, उन्होंने वहां से कुछ हिस्सा भी निकाल लिया, पर वे कभी जिंदा लौटकर नहीं आ पाए। आज हम ऐसे ही खुफिया खजाने के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे द लॉस्ट डचमैन माइन के नाम से जाना जाता है। यह एक खदान हुआ करती थी जिसके अंदर आज भी सोना है, और जो भी इस खदान के अंदर चला गया वो आज तक कभी भी जिंदा लौट के बाहर नहीं आया, और जो व्यक्ति उसे इस खदान के अंदर ढूंढने गया वह भी कभी लौट कर नहीं आया। एक किदवंती के अनुसार एक सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है। माना जाता है कि यह सुपरस्टिशन माउंटेन में कहीं है। यह एरिजोना में ईस्ट फीनिक्स के पास अपाचे जंक्शन के पास है। यहाँ की अपाचे जनजातियों के बीच यह मान्यता है कि गर्जना का देवता ईर्ष्यालु है और किसी को भी इस खजाने के पास नहीं जाने देना चाहता है। स्पेन के फ्रांसिस्को ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उसके सैकड़ों लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों के ढेर लग गए। 1845 में यहाँ डॉन मिगुएल को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी और उन्होंने सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया और खदान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया। एक डच व्यक्ति वाल्स, जो जर्मनी से यहाँ पर आया था, उसने 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इसका पता बताने से पहले ही उसकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई। यहाँ 1931 में खजाने की तलाश में आए एडोल्फ रुथ लापता हो गए और 2 साल बाद उसकी रहस्यमय तरीके से हड्डियाँ मिली, लेकिन एक नोट में मिला जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ और कोई था जिसने मेरी जान ली है। इसका अर्थ यह है कि मौत से पहले वे गोल्ड माइन पाने में सफल रहे थे, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उनकी रहस्यमय हालत में मौत हो गई? इसके बाद भी बहुत से लोग इस खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में डेनवर निवासी भी अभियान शुरू कर चुके हैं, लेकिन 2012 के बाद से यहाँ पे शवों की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, ऐसा क्या है इस खजाने में कि इस खदान में जो भी उतरता है वह कभी भी जिंदा लौट कर बाहर नहीं आता, और वे लोग जिन्हें खजाने की कोई लालच भी नहीं है, वह लोग भी उन्हें ढूंढने जाते हैं तो कभी वापस लौट कर नहीं आते। इस खदान में किसी प्रकार के कोई जहरीली गैस भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे यंत्र इस खदान में उतारे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी रहस्यमयी देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा फिर क्या है कि यंत्रों को कुछ नहीं होता या कैमरे से भी अंदर कुछ भी रहस्यमय नहीं दिखता, लेकिन इंसान अंदर जाते ही मारा जाता है। ना ही अंदर कोई ऐसी जहरीली गैस है, ना ही ऐसा कोई रिएक्शन होने की संभावना जिससे किसी इंसान की मौत हो जाए, पर तब भी ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जिससे यहाँ पर मौतें हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे वो देवता ही हैं जो इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।